बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह बहन भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है, जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाएँ उसका नोटिफिकेशन सब बहन भाइयों को बार पहुँच सके। तो आज की वीडियो हमारी कुछ इस तरह की है, सब बहन भाइयों को पता है कि हम शादी में काफ़ी दिनों से मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, तो काम भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो आज भी कुछ काम कर रहे थे, वलीमा था, तो अभी मेहमान वगैरह आए थे, उनको कोई खाना वगैरह दिया है, काम वगैरह किए हैं, तो अभी देखते हैं अभी क्या क्या बाकी है, क्या क्या और करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेहमानों के लिए लगे हैं खाना लगाने, दस्तार वगैरह आ गया, दूसरी चीज़ें अभी बाद में आ रही हैं, तो साथ साथ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, खाना तैयार हो चुका है, अभी जल्दी मेहमान भी पहुँच चुके हैं, अब खाना लगाते हैं, थोड़ी बहुत देखते हैं। से निकालते हैं बर्तन मेहमानों के लिए, जो भी पानी वगैरह लेके आना है। एक तो यह शीशे का है, तो दूसरा हूँ शीशे का, तो इतना ही शीशे का उपरों स्टील। जी मेहमानों के लिए खाना तैयार लग चुका है, और मेहमानों को सिस्टर है मेरा बुलाने के लिए, तो फिर उनको खाना खाने के लिए देते हैं, खाना खिलाते हैं। सॉरी, हर चीज़ रेडी हो चुकी है, अब मेहमानों को वो खाना खाने के लिए आ रहे हैं। हमार बेटा कैसे हो? ठीक। शादी अच्छी गुजर रही है? जी। मज़ा आ रहा है मेरे बेटे को? जी। जी, भूख तो नहीं लग गई? नहीं लगी। अभी तो खाना खा के आया हूँ। अभी खाना खा के आए हो? आपने पहले खा लिया, मैं पता ही नहीं था। ये देखो कबीर बेटा इस दिन नाराज होकर खड़ा हो गया, अभी मेरे पापा की तरह। बेटा वो बाहर होंगे, पैसे मैं देती हूँ ना, रो क्यों रहे हो? पापा से पैसे लेके आओ ना, जाओ पापा से पैसे, मेरे पास इधर पर्स नहीं है ना। चलो मैं पैसे लेके देती हूँ, मैं देखती हूँ किधर ने तेरे पापा। चलो रोना नहीं है। जितने जड़े भी लोग उनके भैन भाई बुलाए सी, उन्हें खाना वगैरह खा लिया। अरे भाई यार, हम बर्तन वगैरह क्लोज कर रहे हैं। सारे बंदे खाना खा लिया? नहीं, किसे नहीं खाता। आले पाओ ते किने खादा फिर? औरता ने खादा, औरता ने ले ली। अच्छा, औरता ने खा लिया। नहीं नहीं, ये खानी है। हाँ। चाची ने भी पूछो, चाची ने भी रोटी खानी है। चाची ने तो जाया है, हम चाची हमें जान के करी जावे तो हम चाची भी मर गई है। हाँ जी, चाची हम तो जाओगे तो मैं चाची ने सारा डे सारा तो नहीं तो मदद बंदे खड़े बाकी है सारा डे में चाची ने करियो। अच्छा, उन्हें बर्तन वगैरह क्लोज करके तो फिर जड़ा के दूसरे ने मतलब के जड़ा ना मर्दन को खाना शुरू करोगे? ये बस ये बार छड़ के एक। हां जी, नहीं नहीं सही है, सिक दफा साफ हो जंदे ना तो दोबारा खाना ला के तो फिर जड़ा ना बंदियां नु खोया जाएगा। हां जी, नहीं नहीं माशाल्लाह काम सोना नहीं हो गया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह, बहुत हाल सालन वगैरह देगा बच्चियां भैया। हां जी, सारा निज़ाम अच्छा हो गया वैसे, माशाल्लाह बहुत अच्छा। हाँ जी, जिस तरह भैन भाई खाना खा रहे हैं, इतने साइड से चार पहियाँ रखी हैं, चार पहियाँ से जरा के बर्तन वगैरह धुलाई हो रहे हैं। इस तरह दूसरे जो बंदे आने वाले ने उन्होंने खाना खिलाने हैं। वलीमा का फंक्शन वगैरह खत्म हो गया, बंदे ने खाना वगैरह सारे ने खा लिया जी, उन्हें भाई कुर्सियाँ वगैरह टेंट क्लोज कर रहे हैं। और नाली भाई अब्बास न मिलनी लैन आए सी, लैके जा रहे हैं वो ससुराल वाले।
कुर्सियां वगैरह सारियां चुक लिया ने भाइयों ने, हुण सिर्फ दरियां रह गईयां ने, भी क्लोज कर देने। डंडे वगैरह भी पे ने, भी हर चीज़ क्लोज करने वाली है, हर चीज़ों को क्लोज करनगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। हुण सारे अपने अपने घरों में चल पे ने। मैंने कहा कि बहन भाइयों को शादी का माहौल तो बहुत कुछ दिखाया है जितना हो सका है, क्योंकि अक्सर बहन भाई ऐसे भी होते हैं जो मेहमान वगैरह रिश्तेदार वगैरह होते हैं जो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। हालांकि बात कोई भी नहीं होती, सिर्फ क्या है उन हर बंदे का एक अपना अपना माइंड होता है, अपना अपना जहन होता है। वो कहते हैं कि पता नहीं वीडियो में हम आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। तो हमने बहुत एक तरीके के मुताबिक शादी का टाइम पास किया है। अगर बाकी बहन भाई भी मैं वीडियो वगैरह बनाते हूँ, चैनल उन पर काम करते हूँ, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आना था, क्योंकि हर तरह का फंक्शन था, हर तरह के निज़ाम थे, हर चीज़ तरह की बातें थी, सारी रस्में हमने की हैं, कोई ऐसी रस्म नहीं है जो हमने छोड़ी हो, हर तरह की रस्म हुई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वक्त गुजर गया है। माशाल्लाह अब्बास भाई की शादी बिल्कुल खैर खरीत से गुजर गई है, क्योंकि अभी भी मज़ा बहुत आया, ये नहीं कि अभी मज़ा नहीं आया, अभी भी शादी का मज़ा हमें अटेंड करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। लेकिन अगर हर फंक्शन, हर रस्म सब बहन भाइयों के साथ शेयर की जाती तो एक अलग मज़ा होना था। फिर कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ मसले की वजह से फिर हर चीज़ हम वीडियोस में नहीं ले ला सके, इसलिए इस बात के लिए अपने बहन भाइयों से हम माजरत ख्वाह हैं कि बहन भाइयों ने बुरा महसूस नहीं करना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह हमें पहले प्यार दिया है, पहले हमारी सपोर्ट की है, पहले हमारी वीडियो को शौक़ से देखा है, अपना बहुत ज़्यादा कीमती टाइम निकाल के, क्योंकि देखो ना कि आजकल के वक्त में इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं कि बंदा कोई किसी की वीडियो देख सके या किसी को कोई देखता रहे। मैं हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ होता है, कि मुझे तो अपना पता है कि मेरे पास कोई टाइम नहीं होता, ठीक है, सारा दिन सारा रात आगे पीछे दुनियादारी के काम ही ख़त्म नहीं होते। जब भी ख़त्म होना है इंसान ने ख़ुद ही ख़त्म होना है, दुनिया के काम जो हैं वो इसी तरह ही चलते रहेंगे, वो काम ख़त्म नहीं हो सकते। तो बहन भाइयों से हम को यही मैं बताऊंगा कि आज भाई का वलीमा था, दावते वलीमा, उनकी बरादरी, उनका जो रिश्तेदार थे, जो अजीज़ थे, वो सब आए हुए थे। उन्होंने भी हमारे माहौल का, हमारे सारे डिसिप्लिन का, तैयारी का बहुत तारीफ़ें की हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजर गया है, ठीक है। तो कुछ क्लिप मेरी वीडियो पे, कुछ दूसरों की वीडियोस पे बहन भाइयों ने भी देखे होंगे कि किस तरह का हमारे इधर गांव में हम कैसा निज़ाम होता है, कैसा माहौल होता है। और जो बहन भाइयों ने मुझे हमारी वीडियोस पे कमेंट्स किए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम दिनों में तो अक्सर तो बहन भाइयों ने हमें बहुत अच्छे कमेंट्स वगैरह किए हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। तो पहले आम रूटीन में तो कुछ बहन भाइयों के ऐसे भी ऐसे वैसे भी कमेंट्स आ जाते थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते थे और अब भी करते हैं। तो जो शादी के दिन थे इसमें तो किसी एक बहन भाई का भी गलत कमेंट्स नहीं आया, कोई इस तरह का कमेंट्स नहीं आया, हर बंदे ने हमारी वीडियो को लाइक किया है, पसंद किया है। मैं उनका दिल की पूरा अपने पूरे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो सिर्फ मेरी अपने बहन भाइयों के लिए है, अपनी बेटियों के लिए है, अपने बुज़ुर्गों के लिए है, क्योंकि कुछ हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, कोई भाई हैं, कोई बेटियां हैं, कोई मतलब कि हर तरह का जो हमारी वीडियो को देखें हर तरह का रिश्ता उनमें आ जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि हमारे बहन भाई हैं, कोई छोटे भी हैं, कोई बड़े भी हैं, हम उसी हिसाब से हम बात करते हैं कि सबका शुक्रिया। तो इसके साथ ही ये जवेद भाई लोगों ने
फयाज भाई लोगों ने ये माल्टे का बाग वगैरह लगाया है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ये बहन भाइयों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कैसा सीन बनाया, हर सब्ज हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, बहुत प्यारा नज़ारा है इधर का। गाँव तो गाँव ही होता है, शहर में बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है, गाँव के माहौल का अपना ही मज़ा होता है। ये माल्टे का बाग है माशाल्लाह, अभी ये भी जवान हो रहा है, काफ़ी अच्छा पौधा इसने भी ग्रो किया है, कभी अच्छे पौधे बन गए हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इधर जवेद भाइयों ने क्या लगाया हुआ है। अभी इधर भाइयों ने लगाई हुई है सरसों और माल मवेशी के लिए चारा, हम तो इसको लूसन बोलते हैं, स्टाला और चीज़ होता है, ये लूसन, इसमें सरसों है, सरसों देसी, बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही है। इसका साग वगैरह भी बनाया जाता है क्योंकि प्योर देसी सरसों है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये भी सारे माल मवेशियों के लिए चारा है। ये माशाल्लाह जी कैसा व्यू आ रहा है, ये अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बहन भाइयों को देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा और उनका भी बहुत ज़्यादा दिल खुश होगा। और इसके साथ ही ये बड़े बड़े माल्टे हैं, इनके फल भी अभी, क्योंकि बाकी तो लोगों ने तोड़ लिया है, तो ये अपने शादी में अपने कामों में मसरूफ़ थे, इन्होंने ना खाए हैं ना कोई अभी तोड़े हैं, कुछ इन्होंने खा लिए थे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये हुई ना बात माल्टे के पौधे पे, हम कैसे माशाल्लाह खूबसूरत माल्टे नज़र आ रहे हैं। जब ऐसी चीज़ें मतलब देखते हैं आँखों को बिल्कुल ठंडक महसूस होती है, बहुत प्यारा लगता है।